हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लेपर्ड ड्रॉ करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देखिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फाइनल स्टेप। ठीक है, तो आप लोग ये जो आप लोगों का हेल्पिंग जो ये शेप है, आप लोग ये शेप को पहले ड्रॉ कीजिएगा तो आप लोगों को ये लेपर्ड ड्रॉ करने में इजी होगा। ठीक है, तो पहले देखिए ये सर्कल है, पहले सर्कल करते हैं। ये आप लोग लाइट ड्रॉइंग कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये इरेज करना पड़ेगा। और इसका नेक बनाइए, यहाँ ये आप गोभी के लिए ऐसा शेप है, देखिए। ठीक है, अब इसका आगे वाला पांव, ये इसका फिंगर पांव, ये दूसरा पांव, पीछे वाला पैर। देखिए पीछे वाला पैर, हम ये वाला पैर को पीछे बना रहे हैं। ठीक है, ये वाला पैर को आगे बनाएंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा पीछे बनाते हैं। और ये वाला जो पीछे जो पैर दिख रहा है, इसको हम आगे बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम जो शेप है उसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अब ये पीछे वाला पैर को हम जो आगे बना रहे हैं वो यहाँ पर है। ठीक है, अब इसका पूंछ लंबा है, थोड़ा सा मोटा भी रहता है। अब देखिए जो लाइन काम करनी है इसको हम इरेज करते हैं। पहले तो पहले हम फेस बना लेते हैं इसका। देखिए फेस में ऐसा दो सर्कल जैसा दो शेप है, ऐसा सर्कल नहीं है पूरा पूरी, लेकिन सर्कल जैसा ही है। अब इसका नाक के लिए ऐसा शेप लिया और इसका मुंह के लिए नीचे ये ऐसा शेप। अब देखिए इसको मिटा के हम लोग क्लियर कर लेते, जो लाइन काम था वो काम का जो नहीं है वो। इसका कान ऐसा है, इसका आंख, ये वाला लाइन इरेज करते हैं, ये लाइन इरेज होगा, ये लाइन इरेज होगा, ये पूरा थोड़ा सा शेप ये रेडी हो गया। ठीक है, यहाँ इसका ऐसा मुंह बना दीजिए, बुक में नहीं है अपना। ठीक है, और ये अब क्या कीजिएगा, पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद इसको क्या कीजिएगा, ब्लैक कलर का स्केच पेन से इसका सारा आउटलाइन को बोल्ड कर लीजिएगा। ठीक है, ब्लैक कलर का स्केच पेन से सारे आउटलाइन को बोल्ड कर लीजिएगा, और स्केच पेन से ही जो स्पॉट्स है वो ऐसा स्केच पेन से ही बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए आंख और ये मिल जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आंख का शेप को आप लोग ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारे जो है ये सब सारे ब्लैक स्टिक पेन से ही आप लोग पहले से ही कर लीजिएगा। ठीक है, एक ही साइड नहीं रहेगा, छोटा बड़ा रहेगा। ठीक है, और पूरा सर्कल में भी नहीं रहेगा, थोड़ा सा आउट ऑफ सर्कल रहेगा। ठीक है, इसको ब्लैक स्केच पेन से ही कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ब्लैक स्केच पेन या फिर ब्लैक जेल पेन जो भी है, यहां से मुझे पेट में उतना नहीं रहता। ठीक है, ऐसा कंप्लीट करने के बाद आप लोग इसको कलर कीजिएगा वैक्स क्रेयॉन से या फिर कलर पेंसिल से। ऑयल पेस्टल यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, ऑयल पेस्टल अभी आप लोग गंदा कीजिएगा, तो आप लोग ऑयल पेस्टल नहीं यूज कीजिएगा। क्या तक कीजिए, कलर पेंसिल या फिर वैक्स क्रेयॉन से। कैसा कलर है, येलो कलर है, ये कैसे कलर कीजिएगा, ब्लैक कलर कीजिएगा। ठीक है,
देखिए ये लेपर्ड मेरा तैयार हो गया, ठीक है। अब कलर कर दीजिएगा तो कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। चलिए आप लोग ट्राई कीजिएगा पहले कॉपी में, उसके बाद यहाँ ट्राई कीजिएगा।